हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर सेकंड के यूनिट टू के बारे में, जिसमें हम एक्सप्लोरिंग पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो कि SOL से है, NC वेब से है या DU रेगुलर से है। ठीक है, ये तीनों कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है। थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर है और इंग्लिश ए आपकी बुक का नाम है। एक्सप्लोरिंग पोइट्री आपके चैप्टर का नाम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके रिगार्डिंग आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है जब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पोर्स। ठीक है, आप इसको पोर्स पढ़ सकते हैं। पोर्स, सो पोर्स क्या है? तो पोर्स इज़ अ नेचुरल फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट एग्जिबिट्स एन ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब पोर्स एक नेचुरल राइटिंग फॉर्म है। जब हम कुछ लिखते हैं तो हम उसे राइटिंग कहते हैं। ठीक है, तो वो एक फॉर्म है पोर्स जिसको हम लिखते हैं, और इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। इसके कुछ डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिक लैंग्वेज से अलग। ठीक है, जैसे कि आप अगर इंग्लिश में इंग्लिश लिखते हैं तो आपको वहाँ पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखना होता है, बट पोर्स में कुछ डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखना होता है। पोर्स हैज़ नो पर्टिकुलर स्टाइल और लिटरल डिज़ाइन, इट कैन बी फाउंड इन अ ब्लॉग्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल एक्सेट्रा। पोर्स का कोई एक पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं है कि इसे इसी डिज़ाइन में लिखा जाता है। ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हैं कि आप इसे कहाँ पर ढूंढ सकते हैं, आप इसे ब्लॉग्स, यहाँ पे ब्लॉग लिखा गया है, यहाँ पे ब्लॉग्स आएगा, ब्लॉग्स में पढ़ सकते हैं जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, या फिर आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी पोर्स का यूज़ किया जाता है। पोर्स रिटन विदाउट एनी पैटर्न और एनी पर्टिकुलर टोन। पोर्स में ना कोई टोन होती है ना कोई पैटर्न होता है। जैसे कि हम पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में रिदम्स होती हैं, ठीक है, टोन्स भी होती हैं, बट पोर्स में ये सब नहीं होता। वो सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, बस इसके कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं बाकी चीज़ों से। पीपल कैन यूज़ पोर्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एवरीडे स्पीच विच इज़ यूज्ड यू स्पीक एज वेल एज राइट। ठीक है, तो पीपल मतलब लोग इस चीज़ को, पोर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी। यहाँ पे चार तरह के पोर्स के बारे में बताया गया है। पहला है फिक्शनल पोर्स, नॉन फिक्शनल पोर्स, हीरोइक पोर्स, पोइट्री पोर्स। ठीक है, ये चार तरह के पोर्स के बारे में आपको बताया गया। फिर आता है पोर्स कॉमनली यूज्ड इन आवर डे बाई डे लाइफ डे बाई डे कन्वर्सेशन एज वेल एज इन आवर रिटन वर्क। हम पोर्स का यूज़, हम लोग सब पोर्स का यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, डे बाई डे जब भी हम किसी से बातें करते हैं उस समय, या फिर हम जब कुछ लिखते हैं उस समय हम पोर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक राइटर के बारे में बताया गया जिनका नाम है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ यूज सोनेट्स टू टेल हिज स्टोरी एंड कॉल इट अ नॉवल इन वर्स। ठीक है, विक्रम सेठ ने सोनेट का यूज़ किया है। सोनेट एक पोइट्रिक डिवाइस है। ठीक है, पोइट्री लिखते टाइम हम सोनेट का यूज़ करते हैं, तो सोनेट एक पोइट्रिक डिवाइस है जिसका यूज़ विक्रम सेठ ने किया है अपनी स्टोरी को हमें बताने के लिए। उसके बाद जो आती है नेक्स्ट आती है पोइट्री। यहाँ पे पोर्स और पोइट्री की बात की गई है, तो हम यहाँ पे पोइट्री की बात करें तो पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरल लिटरेचर रिटन इन आर्टफुल एंड इट इज़ एन एंशिएंट फॉर्म। आपको पता ही होगा जो कविताएं लिखने का दौर है ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। ये नहीं है कि कविताएं लिखने का दौर कुछ साल पहले स्टार्ट हुआ, ये बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है। इसको हम आर्टफुल काफ़ी सुंदरता से लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या है, लिटरेचर रिटन का एक फॉर्म है। मतलब एक लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं, लिटरेचर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर पोर्स, पोइट्री और भी काफ़ी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो सब आता है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट है पोइट्री। उसके बाद बात करें इट इवोक्स, ये जगाता है इमेजिनेटिव कॉन्सिक्वेंसेज अमंग द रीडर्स थ्रू इट क्रिएटिव स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड राइम्स दैट बाइंड द रीडर्स विद द पोम। जो पोइट्री या फिर आप उसे पोम कह सकते हैं, ये क्या करता है, जो व्यक्ति पोयम को पढ़ रहा है उसके अंदर कई सारी चीज़ों की भावनाओं को उत्पन्न करता है ताकि वो अपने आप को पोयम से कनेक्टेड समझे। ठीक है, इस प्रकार से पोयम को लिखा जाता है। इट इज़ जेनर ऑफ ए लिटरेचर दैट एक्सप्रेस आइडिया फीलिंग थॉट्स इन दिस स्टैंजा एंड ए स्पेसिफिक लाइन। अब जब हम पोइट्री की बात कर रहे हैं तो पोइट्री में
कुछ लाइनों में आपको फीलिंग्स भी देखने को मिल सकती हैं कि राइटर अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहता है, आपको कुछ आइडिया देना चाहता है, ठीक है, आपको कोई थॉट बचाना चाहता है, ये सब आप देख सकते हैं स्टेंजा में। और वहीं पे कुछ स्पेसिफिक लाइनों में आपको बहुत कुछ बताया जाता है। यहाँ पे तीन तरह के पोइट्री के बारे में बात किया गया है, नैरेटिव पोइट्री, ड्रामेटिक पोइट्री, लिरिकल पोइट्री। अब यहाँ पे मेन डिफरेंस बिटवीन पोर्स एंड पोइट्री, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके इस एग्जाम्स में पूछा जाए आपसे, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। तो पोर्स और पोइट्री में क्या अंतर है? तो यहाँ पर पोर्स आएगा ना कि प्रोसेस। पोर्स रिटन इन अ सच अ वे दैट इट डज नॉट पे अटेंशन टू राइम्स, वेयर इन अ केस ऑफ पोइट्री इट इज़ रिटन इन रिदमिकली। ठीक है, तो पोर्स को जब लिखा जाता है तो हम राइम्स, टोन, किसी भी एक पर्टिकुलर टोन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। बट जब भी हम कोई पोएम लिखते हैं तो हम किस पे ध्यान देते हैं? रिदमिकली, हम उसमें राइम का ध्यान रख के ही उसे लिखते हैं। वाइल राइटिंग अ पोर्स अ राइटर हैज़ नो वर्ड लिमिट, ऑन अदर हैंड राइटर हैज़ वर्ड लिमिट नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी कैन यूज़ इन पोएम। पोएम में आपको लिमिटेड वर्ड्स का यूज़ करके पोएम लिखनी है, बट जब आप पोर्स लिखते हैं तो आपको कोई भी वर्ड लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से जितना मर्जी चाहें उतना पोर्स लिख सकते हैं। प्रोस इज अ मेनली रियलिस्टिक, ऑन दी अदर हैंड पोम, यहाँ पर कौन सा आएगा, पोम यूज इमेजिनेटिव सिनेरियोस। जब हम पोर्स लिखते हैं तो वो किसी रियल चीज़ पे, रियलिस्टिक चीज़ पे बेस होता है, पर जब हम पोएम लिखते हैं, पोम लिखते हैं, तो वो इमेजिनेटिव भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है, पर ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो इमेजिनेटिव होती है। ठीक है, राइटर के सोच का एक नमूना होता है। इन पोर्स आइडिया थाट्स आर रिटन डाउन इन टू लाइन्स विच कम्बाइंड इन टू पैराग्राफ, वेयर इन अ केस ऑफ पोएट्री इट इज़ रिटन इन स्टैंजा। पोर्स में जब हम कोई आइडिया देना चाहते हैं तो हम उसे लाइन में लिखते हैं, बट जब हम पोएम में कोई आइडिया बताना चाहते हैं तो हम उसे स्टैंजा में लिखते हैं। अब आता है आपका व्हाट इज़ फॉर्म, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये एक टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और एकदम याद कर लीजिए। सबसे पहले आता है अ गोल्डन गेट, अ गोल्डन गेट अ नॉवल इन वर्स फ्री बाय विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ ने एक नॉवल लिखी थी, द गोल्डन गेट अ नॉवल। ठीक है, विक्रम सेठ ऑल्सो यूज द सोनेट एज इट इज़ प्रेफर्ड मीडियम टू टेल अस द स्टोरी। विक्रम सेठ ने सोनेट पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है एक मीडियम की तरह, किससे, रीडर्स को एक स्टोरी बताने के लिए। इगी न्यू ओरिजिन रिटन बाय रशियन पोइट अलेक्जेंडर पुश्किन यूजिंग द पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोनेट। एक और राइटर हुए हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर पुश्किन, उन्होंने सोनेट का यूज़ किया है अपनी किताब में। द स्टैंजा हैज़ थ्री क्वाड्रेंट्स अराउंड फोर लाइंस, यहाँ थ्री नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द स्टैंजा हैज़ क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है चार लाइनों का एक सेट, एक दो तीन चार, ठीक है, चार लाइन का एक सेट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट्स, एंड एंड विद कपलेट टू लाइन्स, और दो लाइन के सेट को हम यहाँ पर कहते हैं कपलेट, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये कपलेट है। ठीक, अब उसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है कि है हियर वी गेट टू नो दैट जॉन इज अ सक्सेसफुल मैन इन अ मैन, एक जॉन है। ठीक है, विक्रम सेठ के द्वारा जो चीज़ बताई गई है उसमें है कि जॉन एक सक्सेसफुल व्यक्ति है पर वो अकेला है। ठीक है, ही इज लोनली एंड इट्स पेन हिम टू रिफ्लेक्ट ऑन द फैक्ट दैट ही हैज़ नो वन टू केयर अबाउट हिम। एक सक्सेसफुल व्यक्ति, जॉन एक सक्सेसफुल व्यक्ति होने के कारण भी अकेला है। ठीक है, वो दर्द में है और उसका दर्द उसको रिफ्लेक्ट, उसको दिखाई देता है, दैट हैज़, उसको किस बात का दर्द है कि उसके पास कोई भी नहीं है जो उसकी केयर करे। सोनेट इज़ अ फॉर्म विच अलाउ सेठ टू इंट्रोड्यूस जॉन इन अ फर्स्ट फोर लाइन। सोनेट एक ऐसा कह सकते हैं कि सोनेट की यहाँ पे एडवांटेज बताए गए हैं कि सोनेट ने सेठ को, अमित जो कह सकते हैं, ठीक है, विक्रम सेठ को ये बताया कि आप चार लाइन में इंट्रोड्यूस करें किसको, जॉन को, अपनी कहानी में। अबाउट फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म की बात की जा रही है, यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। फॉर्म इज़ अ पोएट्री कैन बी अंडरस्टूड एज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पोम। पोएम को हम फिजिकल फॉर्म को पोम की फिजिकल स्ट्रक्चर के रूप में देख सकते हैं। The length of the lines, their rhythms, their system, their rhymes and repetition in the sense. ठीक है, फॉर्म में हम देख सकते हैं, जब हम फॉर्म
या फिर पोएम को पढ़ते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें राइम्स को दिखाया गया है और रिदम्स को दिखाया गया है, ठीक है। उसकी लेंथ को हम देख के समझ सकते हैं कि वो फॉर्म है या फॉर्म। इट इज़ नॉर्मली रिजर्व्ड फॉर द टाइप ऑफ पोएम वेयर दीज फीचर्स हैव बीन शेप्ड इनटू पैटर्न स्पेशली फैमिलियर पैटर्न। जब हम पढ़ते हैं फॉर्म को देखते हैं या फिर पोएम को पढ़ते हैं उस समय, तो हम देख सकते हैं कि इसमें चार लाइन का मतलब क्या है, दो लाइन का मतलब क्या है, इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, ये हमें पता चलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि इसमें कुछ फीचर्स का यूज़ किया जाता है, हैव बीन शेप्ड इनटू द पैटर्न स्पेशली फेमिलियर पैटर्न। जब हम फॉर्म लिखते हैं तो हम एक फेमिलियर पैटर्न के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया बड़ी बड़ी लाइनें और रीडर को कुछ समझ आए या ना आए, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि जब हम लिखें तो उसे एक फेमिलियर पैटर्न में लिखा जाए जो कि रीडर को भी समझ आए। उसके बाद एक पोम है यूसेज, ठीक है, जिसको लिखा गया है हयाना चाचरा के द्वारा, ठीक है। इफ़ वी लुक एट द पोम यूसेज फर्स्ट वी कैन सी फिगर आउट दैट देयर आर लैक ऑफ स्टैंजा। यूसेज पोएम में आपको लैक ऑफ स्टेंजा, मतलब स्टेंजा देखने को नहीं मिलेंगे, आपको बड़ी बड़ी लाइन से देखने को मिलेंगी जो कि एक स्टोरी टाइप की लगती है कि आपने एक स्टोरी समझाने की कोशिश करी है। वी कैन फाइंड दैट इट हैज़ मैनी पोएटिक डिवाइस लाइक रिपीटेशन यूसेज लिटरेरी डिवाइसेस लाइक मेटाफर एंड अदर फिगर्स ऑफ स्पीच इट यूज मैनी एफर्ट्स। जब आप यूसेज नाम की पोम को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कई सारे पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया गया है जिसमें रिपीटेशन हो रही है, ठीक है, जैसे कि मेटाफर और अलग अलग प्रकार के कह सकते हैं फिगर ऑफ स्पीसीज का यूज़ किया गया है। प्रोस ऑर्गेनाइज्ड इन द वेस्ट इन फ्रांस एंड जर्मनी इन 19th century। जब प्रोस को ऑर्गेनाइज या फिर आप कह सकते हैं डेवलप किया गया था फ्रांस और जर्मनी में 19वीं शताब्दी में। फिर उसके बाद प्रोस डिड नॉट गेट मच सक्सेस एंड इट कम बैक इन 1950s and 1960s इन USA में 1950 से 60 के बीच में पॉर्स को ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली और वो वहीं पे रह गया। अब इसके बाद बात करें एडवांटेज ऑफ पोर्स पोम के एडवांटेज क्या हैं। तो पहला एडवांटेज है इट इज़ प्रमिसिव फॉर्म एंड फ्री टू पोएट फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर। अब जब हम पोर्स लिखते हैं तो पोर्स में रीडर को या कह सकते हैं राइटर को कोई वर्ड लिमिट नहीं होती, वो अपने हिसाब से लिख सकता है। दूसरा, राइटर कितना भी अच्छी तरह से समझा सकता है, बट पोएम की बात करें तो पोएम में आपको लिमिटेड वर्ड लिमिट मिलती है और उतने ही वर्ड्स में आपको समझाना होता है रीडर को। तो इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, फॉर्मल स्ट्रक्चर। उसके बाद बात करें सेकंड, बाय यूजिंग द पोर्स फॉर्म चाचरा इज एबल टू यूज द वैरायटी ऑफ फॉर्म लाइक कोटेशंस स्टैटिक्स रेफरेंस और पॉलिटिकल फिगर्स। पोर्स फॉर्म में चाचरा ने काफ़ी सारी वैरायटीज का यूज़ किया है जिसमें आप देख सकते हैं कोटेशंस आपको देखने को मिलेंगे, स्टैटिक्स देखने को मिलेंगे, आंकड़े रेफरेंस देखने को मिलेगा, किसी के थ्रू कुछ बताया गया है, या फिर पॉलिटिकल फिगर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बात करें तीसरे की, ही इज़ एबल टू मिक्स अप द अनएक्सपेक्टेड विद द नोन दैट लीड आयरोनिक टर्म्स इनटू द पीरियोडिक मीनिंग प्रोड्यूस मीनिंग। अब जब हयाना चाचरा ने अपनी पोम लिखी यूसेज, उसके अंतर्गत उन्होंने काफ़ी नए नए वर्ड्स को डिफरेंट करके मिक्स किया, मतलब मिक्स करके वो पोयम लिखी है। उस पोयम में आप देख सकते हैं अनएक्सपेक्टेड ऐसे भी शब्द जो कि वहाँ पे नहीं होने चाहिए फिर भी उन्हें लिखा है, और ऐसे शब्द जो होने चाहिए वो तो है ही, ठीक है। तो उन्हें लिख के एक तरह से बताया गया है और मीनिंग बनाई गई है उस लाइन की। उसमें ऐसे शब्द भी हैं जिन जो अनजान है उस पोयम से, और ऐसे शब्द भी हैं जिनका होना चाहिए। अबाउट द पोम यूसेज, यूसेज पोम की बात करें तो इन दिस पोर्स फॉर्म द ऑर्थर हयान चाचरा इज टॉक अबाउट देयर पर्सनल लाइफ। यूसेज जो पोयम है उसमें राइटर ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बताने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद ही टॉक्ड अबाउट दैट हाउ ही वॉज अ विक्टिम ऑफ प्रेजुडिसी एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि राइटर जो कि पोयम लिख रहा है, ठीक है, वो किस प्रकार मतभेद या फिर भेदभाव का शिकार रहा है, ठीक है। प्रेजुडिसी का मतलब आप कह सकते हैं कि भेदभाव या पक्षपात किया जाता है, तो पक्षपात या डिस्क्रिमिनेशन का किस प्रकार वो विक्टिम रहा है। हयाना चाचरा बॉर्न इन US बट हिज फादर वॉज नॉट फ्रॉम US, हिज लाइफ वॉज नॉट ईजी। हयाना चाचरा का जन्म US में हुआ बट उनके फादर US के नहीं थे, वो आउट ऑफ US थे, ठीक है।
यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से बाहर के सदस्य थे तो उनकी ज़िंदगी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कठिन बताई गई है। ही इज़ केयरफुल टू रिमाइंड रीडर दैट ऑल नॉट ऑल अरब्स आर लाइक, ठीक है, अरब्स अरब देशों से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, मतलब सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। इसमें बताया गया है कि नॉट ऑल ऑफ देम आर टेररिस्ट, जितने भी अरब देश या फिर इस्लामिक कंट्री से आते हैं वो लोग टेररिस्ट नहीं होते हैं, ठीक है, ये उन्होंने बताने की कोशिश करी है। इन पोएम वी कैन नोटिस दैट देर आर लैक ऑफ राइम्स एंड रिदम्स आर इरेगुलर, आप जब पोएम पढ़ेंगे तो आप उस पोएम में देखेंगे कि आपको वहाँ पे लैक ऑफ राइम्स, मतलब आपको राइम्स नहीं मिलेंगे, रिदम्स नहीं मिलेंगे देखने को, वहाँ पे कमी है रिदम्स और राइम्स की। द लास्ट फ्यू लाइन्स इन ऑफ द पोएम आर लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ईच वर्ड्स मेंट टू इवोक एन इमेज इन अ रीडर्स माइंड। इस यूसेज पोएम के आखिरी की दो चार लाइनों में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे वर्ड्स की एक लिस्ट बनी हुई है, वो लिस्ट का पर वर्ड मतलब एक एक वर्ड एक एक इमेज बनाता है किसमें, रीडर्स के दिमागों में, रीडर्स के दिमाग में एक एक इमेज बनाने की कोशिश करता है। क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक, अब आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज पोर्स, पोर्स क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पोर्स पोम, पोर्स पोम की एडवांटेज क्या है। अब डिनोटेशन इज अ लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, द डिक्शनरी डेफिनेशन रेदर देन एसोसिएट इमोशन एंड आर डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर दो शब्द की बात की गई है, डिनोटेशन ऑन कॉनोटेशन, डिनोटेशन ऑन कॉनोटेशन, ठीक है, ये आपको पोएम जब पढ़ेंगे आपको तब देखने को मिलेगा। तो सिंपल से मैं बता दूँ, डिनोटेशन का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग हो जो कि किसी नो डिक्शनरी में लिखा हो, और कॉनोटेशन का मतलब होता है एक फीलिंग, ठीक है, उस शब्द से एक फीलिंग कनेक्टेड होती है जो कि आपको जब वो शब्द पढ़ेंगे तो आपको वो फीलिंग समझ में आएगी। Writers are mostly use denotative aspect of language because they need to convey something as directly as logical as possible. ठीक है, जब कोई राइटर किताब लिखता है तो वो डिनोटेटिव वर्ड्स का यूज़ करता है, मतलब कि वो चाहता है कि रीडर उस वर्ड को पढ़े, समझे, डिक्शनरी में भी फाइंड आउट करे और एक मीनिंग निकाले। बट जब पोइट, ठीक है, जब कवि कुछ लिखता है तो वो कॉनोटेटिव वर्ड्स का यूज़ करता है क्योंकि वो चाहता है कि उस वर्ड से जो कह सकते हैं फीलिंग कनेक्टेड है उसको फील कर सके रीडर। उसके बाद आता है कॉनोटेटिव ऑफ द वर्ड्स इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएशन बाय द केस मे बी, ठीक है, कॉनोटेटिव वर्ड्स का मीनिंग या फिर फीलिंग आप कह सकते हैं नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बाद आपको ये दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें हम स्लैम पोइट्री की, स्लैम पोइट्री इज़ अ इम्पॉर्टेंट पोइट्री दैट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज। जब भी आपने कभी देखा होगा कि कोई स्टोरी पोइट्री को या फिर स्टेज पे बोला जा रहा है वो स्लैम पोइट्री कहलाती है, ठीक है। डेवलप्ड इन अर्लियर 90s, अर्लियर ईयर्स 1980s, 1980 के दशक तक इसे इस पोइट्री का जन्म हुआ था इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में इसका जन्म हुआ एंड गेन पॉपुलैरिटी इन अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज। उसके बाद इस पोइट्री के टाइप को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली पूरे विश्व में और काफ़ी देशों ने इसे अपनाया। उसके बाद आता है कि मार्क कैली स्मिथ, ठीक है, ये अपने आप को फाउंडर मानते हैं किसका, स्लैम पोइट्री का। तो मार्क कैली स्मिथ फ्रॉम शिकागो, शिकागो के रहने वाले हैं, इस कंसीडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ स्लैम पोइट्री। ही ब्रिंग्स पोइट्री टच बैक इन टू द कॉमन पीपल, वो स्लैम पोइट्री को आम जनता के बीच में लाए। ही ऑर्गेनाइज्ड पोइट्री कॉम्पिटिशन, उन्होंने पोइट्री कॉम्पिटिशन को भी ऑर्गेनाइज करा कुछ बेसिक रूल्स के साथ। द नेम स्लैम पोइट्री परहैप्स कम फ्रॉम द फ्रीडम एंड द ऑडियंट ऑफ स्लैम पोइट्री इन पब्लिक, पब्लिक प्लेसेस में जो पोइट्री कॉम्पिटिशन होते हैं उनके बेसिस पे स्लैम पोइट्री का नाम लिखा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका नाम पहले से ही कुछ सोचा गया था, बस इसका नाम लिख दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्लैम पोइट्री, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, इसके नोट्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं, बट जितना मेरे से हो सकता है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम है, कहीं कुछ पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक्स पर अवेलेबल है, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइज़।